अरे तुम्हारे घर का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? ये सर पे पट्टी कैसी है तुम्हारी? न्यूज़कास्टर बनने का ख्वाब है और हालात से बिल्कुल बेखबर हूँ, बहुत अफसोस की बात। अब मैं 24 घंटे तो टीवी के सामने बैठी नहीं रहती। बता क्या हुआ है, ये चोट कैसे लगी है तुम्हें? अरे यार, पुलिस पानी से तरसे हुए मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज कर रही। मैंने कुछ बच्चों और औरतों को बचाने की कोशिश की तो मुझे भी लग गई। तुम्हें कितनी बार मैंने बोला है हीरो बनने की कोशिश मत किया करो, और तुम उस डेमोंस्ट्रेशन में कर क्या रहे थे? मैं तो बाय चांस वहां से गुजर रहा था, देखा कि मुजाहिरीन है, सड़क बंद हुई भी है, तो उतर के देख लिया मैंने। और हीरो बन के एंट्री दी, पुलिस से पंगा लिया और लाठियां खाई। उफ, पता नहीं कितनी तकलीफ हो रही होगी तुम्हें, मुझे तो देख कर महसूस हो रही है। अरे मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। तकलीफ तो मुझे वो तीन डिहाइड्रेटेड बच्चों को देख के हो रही थी, जिनके माँ बाप उनको मुजाहरे में लेके आए मिले। इतनी बुरी हालत थी ना उन तीनों की, क्या बताओ। सोचो यार, कितने दिनों से उन लोगों के इलाके में पानी नहीं है। अच्छा तुम सोच सोच के स्ट्रेस मत लो, आई एम श्योर तुमने लंच तो किया नहीं होगा। मैंने भी नहीं किया, फ्रूट भी लाई थी मैं। अच्छा थैंक्स। वैसे इस पानी के इशू ने तो मेरा सारा फोकस ही चेंज करके रख दिया है। मैं तो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के करप्शन केसेस के पीछे लगा हुआ था। पानी वाले इशू पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मैं तो हैरान हो गया, यहाँ पानी की कमी नहीं है लेकिन बद इंतजामी की वजह से लोगों को पानी मिल नहीं रहा। शायद जानबूझ के पानी की मिसमैनेजमेंट की जा रही है, लोगों को पानी से तरसाया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है इस मिसमैनेजमेंट का जिम्मेदार कौन है? अभी मैं ठीक से कह नहीं सकता, रिसर्च कर रहा हूँ इस बारे में, और हाँ सोच लिया है कि अब इस बात की तह तक पहुंचूंगा। वो बच्चे की शक्लें मेरे जहन से नहीं जा रही। मैं जानती हूँ आरिफ कि तुम्हारी सोच थोड़ी रेडिकल है, लेकिन जानबूझ के अपने आप को खतरे में मत डालो। मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूँ और हर नाइंसाफी के। मुझे लगता है तुम्हें किसी न्यूज चैनल में जॉब कर लेनी चाहिए, एज एन एंकर बहुत कामयाब रहोगे, लाखों रुपए भी कमाओगे और सेफ भी रहोगे। और फिर फरिश्ते मुझे ब्रेकिंग न्यूज देते रहेंगे और पॉलिटिशियंस मुझे नजराने भेजते रहेंगे। अरे तुम भी ना। अरे मैं तो एक बात ही बताना भूल गई। अब देखो, मैं जैसे ही अमेरिका से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म कंप्लीट करके आई हूँ, वैसे ही मुझे एक न्यूज चैनल ने एक टॉक शो होस्ट करने के लिए बुला लिया। अभी मीटिंग करके आ रही हूँ मैं, और ये ब्रेकिंग न्यूज मैंने तुम्हें सबसे पहले दी है। Oh, very good. Yani is khane ko tumhari taraf se treat samjho. Good. Waise, tum koi cooking show bhi host kar sakte ho. Zubaida aapa aur Rahat aapa ki tarah Sumaira aapa. Aur par daar se tumne mujhe aapa kaha. Aur thank you tumne mere khane ko acha kaha. Khana to acha banati ho.